तो आज मकर संक्रांति का त्यौहार है और देश भर में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब में माघी, असम में बिहू कहा जाता है और इस मौके पर पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। देखिए मकर संक्रांति के रंग। देश भर में मकर संक्रांति का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धालु सुबह से ही पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर मतलब जैसे पितरों का वो करने के लिए हिसाब से तीर्थ के लिए पितरों का उद्धार के लिए सब लोग बताते हैं, इसके हिसाब से मैं और मेरे पिताजी यहाँ पर आए हुए हैं। संक्रांति के दिन पूर्वजों से लोग चला आ रहा है स्नान करने का, तो अभी हम गया गए थे पूर्वजों के लिए, तो लोग बोलते हैं कि जब तक यहाँ गंगा सागर स्नान नहीं करते हैं तब तक पूरा नहीं होता है। अब इसके बाद जाके गांव में तब हवन करेंगे, पूर्वजों का उद्धार कर होता है सब बोलते हैं। पूरा उत्तर भारत फिलहाल भयंकर ठंड की चपेट में है, बावजूद इसके वाराणसी, हरिद्वार, लखनऊ, इलाहाबाद के गंगा तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। खास बात यह है कि ठंड के बावजूद नदी तट पर पहुंचे श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। तो उस समय 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहता है, 6 महीने दक्षिणायन रहता है। तो आज सूर्य अपना 6 महीने का चक्र पूरा करके दूसरे में प्रवेश कर रहा। आज हमने 14 साड़ियां दान की है और यही दो मतलब खिचड़ी है, लड्डू है और मतलब सब सामान मंगा करके पैसे 11-11 रुपए के 14 साड़ियों में पैसा रख के सबको दान दिया है। मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार की रौनक ज्यादा बढ़ गई है। हर की पैड़ी में सुबह से ही पवित्र गंगा में स्नान करने वालों का जमघट लगा है। लोग दूर दूर से पवित्र गंगा जी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के भारी जमघट को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पति तो पावनी माँ गंगा की निर्मल धारा में तमाम श्रद्धालु हर हर गंगे के जय घोष के साथ बड़े श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर तमाम श्रद्धालु बड़े ही मनोभाव के साथ तीर्थ नगरी हरिद्वार में गंगा तट पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। भले ही पहाड़ों में कड़ाके की ठंड हो रही हो, बावजूद इसके जो ठंड है उसका असर श्रद्धा पर जरा सा भी नजर नहीं आ रहा है। इलाहाबाद हो या फिर वाराणसी, गंगा तट पर शुक्रवार को ही लाखों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति की वजह से श्रद्धालु रात में ही गंगा तट पर जुट गए और भोर होते ही गंगा स्नान शुरू हो गया। वाराणसी के सभी 84 घाटों पर मकर संक्रांति का पवित्र स्नान अनवरत जारी है। आप देखिए इस वक्त वाराणसी के 80 घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और चूंकि स्नान, ध्यान और दान का बड़ा महत्व है आज के इस महान पर्व में, और स्नान करने के बाद 80 घाट की ये जो तस्वीर है कमोबेश यही 84 घाटों पर भी यही आपको तस्वीर दिखाई देगी। तो स्नान करने के बाद जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ से अपने तीर्थ पुरोहितों की ओर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में भी मकर संक्रांति का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न नदियों में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और दिवालियों में भी विशेष पूजा अर्चना जारी है। मकर संक्रांति विशेष पर्व रहते हैं स्नान के लिए, इसलिए हम स्नान करने सब परिवार आए हैं सभी। क्या कुछ दान पुण्य से भी क्या? दान पुण्य भी करेंगे ना, स्नान के बाद फिर पूजा पाठ, दान पुण्य। आज मकर संक्रांति पर्व काल में बाहर से दूर दूर से कई श्रद्धालु जन या तीर्थ पे आए हैं, लेकिन जो है मौसम में काफ़ी ठंडक होने के कारण इस मौसम के प्रभाव से इस तीर्थ पे कुछ भीड़ का कम वातावरण दिख रहा है और तीर्थ पे थोड़ा सा जो है मेला जैसा जो आयोजन था वो अभी मतलब कम नज़र आ रहा है। कहा जाता है इसी दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाता है। आज वह दिन होता है जब भगवान भास्कर जो है अपनी दिशा को बदलते हैं, यानी अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य देव जो है कर्क राशि से मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं। ये 6 महीना सूर्य दक्षिणायन होते हैं, 6 महीना उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण जो होता है देवताओं का दिन होता है, यानी देवता अब जग गए,
अब देवता अपने अपने कार्य में लग गए और दक्षिणायन यानी सूर्य जो है सोए, देवता सोए हुए थे। जब देवता जब सोए रहेंगे तो उसमें पवित्र कार्य भी नहीं होते, सब तमाम तरह की चीज़ों का वो हो जाता है। तो यह जो है इस ढंग से आज जो है सूर्य जो है उत्तरायण हुए और सब जो है धरती पे पूरे ब्रह्मांड में आज जो है सभी कार्य सुचारू रूप से चलने लगे, सभी लोग पुण्य के भागी बनने लगे। चूँकि मकर संक्रांति का त्यौहार होता है तो मकर संक्रांति पर दान का भी बड़ा महत्व होता है। तो आज का जो दान होता है वह अनंत फल को देने वाला होता है। पंडितों का कहना है कि सूर्य के धनु से मकर राशि में जाने से खरमास भी समाप्त हो जाता है और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है।